तुषार जी बोल रहे हैं सबको देखना चाहिए ये फिल्म विद फैमिलीज, क्योंकि ये एक फिल्म नहीं है, एक इंस्पिरेशन है, एक विजन है। मैं तो सिस्टम से लड़ता हूँ, सबसे लड़ता हूँ, एंड मैं बहुत कुछ सीखता हूँ वहाँ से। जब भी प्रॉब्लम्स आता है मेरे जिंदगी में, तभी सॉल्यूशन ढूंढा जाता है। अगर प्रॉब्लम नहीं होती है तो यू कैन नॉट लर्न एनीथिंग ना। अभी भी मैंने सुना है कि आपका सपना है कि आप राष्ट्रपति बने। ये दो वियर्ड गोल्स है लाइफ में, एक तो फाइटर जेट में उड़ना है और एक तो सबमरीन में जाना है, बॉटम ऑफ द ओशन। वो दोनों करने के लिए तो राष्ट्रपति तो बनना ही बनना। आपको पता है इसका नाम क्या है ना? इसका नाम है श्रीकांत भोला, ये भोला नहीं है। नमस्कार, मैं हूँ दिव्या कोचर और आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल। इस वक्त हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं, फिल्म श्रीकांत के रियल लाइफ हीरो श्रीकांत भोला और फिल्म के डायरेक्टर तुषार जी। तुषार जी एंड श्रीकांत जी, वेलकम टू टीवी 9। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैंने ओपनिंग इसलिए भी कम की है क्योंकि मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और आप दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशंस। इतना इम्पैक्टफुल सब्जेक्ट आप पर्दे पर लेकर आए हैं। तो तुषार जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगी कि आप ऑलरेडी पहले भी बायोपिक बना चुके हैं, लेकिन श्रीकांत पे बायोपिक बनाने का जो फर्स्ट इंडिकेशन था आपको, वो कहाँ से आया और ये पूरी जो जर्नी थी ये कितनी कठिन थी? क्योंकि मैंने जितना भी पढ़ा है और सुना है कि ये राइट्स देने के लिए इनिशियली तैयार नहीं थे। और वो अभी तक सबको पता चल चुका है क्या? ये मुझे गड़बड़ कर दिया। इसका नाम, आपको पता है इसका नाम क्या है ना? इसका नाम है श्रीकांत भोला, ये भोला नहीं है पहली बात। तो बेसिकली माय डैड, मेरी डैड जो टैलेंट कॉन्टेस्ट रन करते हैं बॉम्बे में 50 साल से, वो है फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटीज, उनका नाम अशोक हीरा है। और जब मैं जाके देखता था वो बच्चों को स्टेज पे परफॉर्म करते हुए, और मैं तो आई टू क्लैप और मेरे आँख में आंसू होते थे, बट आई टू फील दैट क्या एक बच्चे लोग परफॉर्म करते हैं, और यार मैं इधर बैठा हूँ, मेरे को कुछ होता ही नहीं था। आई टू आस्क माई डैड हाउ डू दे डू इट, हाउ कैन दे डू इट, इज इट रियल, मतलब हाउ डू दे डू इट। He said that the teachers help them first, and second they just need a stage to perform, and that's when I realized that every person given the right stage and the right help can perform and do wonders. So maine jab iska, meri wife Nidhi jo meri producer hai, usne iski ek interview, ek TED talk tha shayad, wo mujhe dikhaya और मैं एकदम इंप्रेस हो गया था, यार ये क्या बात है। फिर गूगल किया तो गूगल पे तो पूरा लाइफ इसका गूगल पे है जी। तो मैं वो देख के तो और ही झटका खा गया, बहुत ट्राई किया इसको। तभी मेरे को पहली पिक्चर बनानी थी पर ये हाथ में नहीं आया, फिर सांड की आँख बना ली, फिर सांड की आँख के बाद इसको वापस ट्राई किया, ये हाथ में नहीं आया। तो उसके पार्टनर है बेचारा, अच्छा आदमी है, रवि मंता, वो मेरे को हेल्प किया। मैंने उसको फेसबुक के थ्रू कॉन्टैक्ट किया, उसे हैदराबाद बुलाया। जैसे हैदराबाद पहुंचा, बोला कि हमने राइट्स ऑलरेडी दे चुके हैं, राकेश जी को दे दिया था, राकेश ओम प्रकाश मेहरा और भारती जी को। फिर भी उसने मेरा बोला, फिर क्यों बुलाया? बोला नहीं, 3 डेज यू स्टे विद श्रीकांत और मेरे घर पे रहे। ही मेड मी स्टे इन हिज ओन हाउस, इमेजिन, ही डिडंट इवन नो मी, हिज वाइफ कविता, एंड ही मेड मी स्टे इन हिज हाउस एंड दे मेड मी मीट हिम फॉर 3 डेज, आई वॉज विद देम। लास्ट दिन पे जब मैं जा रहा था, लकीली के इन्वेस्टर्स का मीटिंग था, कविता जो रवि की वाइफ है उनका रेस्टोरेंट है, वहाँ पे मैं डिनर लंच कर रहा था। और मैं जब अभी जाने वाला था हैदराबाद एयरपोर्ट, तो वो जो इन्वेस्टर था उसको पता चला कि मैं सांड की आँख का डायरेक्टर, इसने बताया। अच्छा। तो वो कभी हिंदी पिक्चर देखता नहीं, ये हैदराबाद में था, तो वो पागल हो गया। बोला मेरी बच्ची, मेरी मदर ने इतना, आप हमने जाके पिक्चर देखा है, इतना अच्छा पिक्चर, इतना बात करते गया। फिर मैंने बोला चलो मैं जा रहा हूँ। एयरपोर्ट पहुंचा तो इसने वॉइस नोट भेजा कि आपने अगर सांड की आँख इतना अच्छा बनाया है तो आई थिंक आई शुड ट्राई टू गिव यू माय राइट्स। अच्छा। फिर इन्होंने भारती जी को और रवि ने भारती जी को और राकेश जी के पास अप्रोच किया और उन्होंने राइट्स दे दिया। और फिर वहां से हमने चालू कर दिया और ऑब्वियसली भूषण जी का हाथ आ गया हमारे सिर पे, पिक्चर चालू। सोने पे सुहागा। श्रीकांत जी, ऑनेस्ट आंसर है ये कि आपकी जो जर्नी है वो बहुत ही इंस्पिरेशनल है, सिर्फ इस लिहाज से नहीं कि आपने अपनी बाकी डिसेबिलिटीज़ की बावजूद इतनी सक्सेस हासिल करी, लेकिन एक नॉर्मल इंसान के लिए भी ज़िंदगी में सक्सेसफुल होना बहुत चुनौतीपूर्ण होता है, आसान नहीं होता। तो एक लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर की तरह मैं आपको देखती हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो क्या लगता है आपको कि एक 2.5 घंटे की फिल्म ने उसके साथ जस्टिस किया है? 100% जी, बिकॉज yes, see, life is big, more than 2, but the way you can portray things, आप 10 साल की कहानी को
दो मिनट में दिखा सकते हैं. दैट्स व्हाट तुषार हैज डन वंडरफुली वेल बिकॉज इन्होंने यस दिस एक्चुअली मेनी पीपल टोल्ड मी कि अरे यार सिनेमा जल्दी ख़त्म हो गया है और 10 मिनट चाहिए था 5 मिनट चाहिए था. हम लोग ऐसा ही देखते देखते बैठा है फिल्म तो एंड हो गई है. मैं बोला यार ये तो जिंदगी थोड़ी है इसकी सिनेमा है ही कैन नॉट डू मोर देन द गिवन टाइम. तो ऐसा दैट मीन्स लुक एट द इंटरेस्ट आई मीन पीपल आर सो इन्वॉल्व मतलब सब लोग जिंदगी को भूल जा रहे हैं ये सिनेमा थिएटर में जाने के बाद. तो इसीलिए तुषार जी बोल रहे हैं सबको देखना चाहिए ये फिल्म विद फैमिलीज क्योंकि ये एक फिल्म नहीं है एक इंस्पिरेशन है एक विजन है और एक कहानी है और एक जिन बेसिकली एक ड्रीम है सबका सपना है. दिस इज नॉट माई स्टोरी एट ऑल इज दिस इज द सपना ऑफ एवरी ऑर्डिनरी इंडियन. सो अपना जो है द विजन दिखाई गई है बड़ा सपना दिखाई गई है एंड जो मेरा जिंदगी है वो डूइंग फॉर एवरी स्मॉल थिंग दैट यू इन लाइफ बहुत संकट को झेलना पड़ता है प्रॉब्लम्स को क्रॉस करना पड़ता है शर्मिंदा होना पड़ता है. लोग सोचता है तू ईगोइस्टिक है लोग सोचता है तू एरोगेंट है लोग सोचता कि ये केस डाल देगा लोग सोचता कि ये हम इसको डेट नहीं देंगे क्योंकि कल बाद में ईएमआई नहीं भरेगा अगर हम लोग फोर्स करेगा तो बोल देगा कोर्ट को जाओ. तो ये सब चीज़ जो है वो परसेप्शंस है वो नहीं होता है जिंदगी रियल लाइफ में बट परसेप्शंस जो होता है जिसके जो मेहनत कर रही है सिस्टम से लड़ रही है उनका डीएनए को देख के वो सोचना नॉर्मल है लेकिन ये होता नहीं है. तो बट दैट्स हाउ बिजनेस मैंस मेंटालिटी इज मेड अप बिकॉज इतना स्ट्रेस को झेलना पड़ता है इतना संकट सिचुएशन को झेलना पड़ता है. लुक एट कोविड कोविड आया है इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऊपर लेना पड़ा है पड़ती है सबको पड़ता है. तो इट इज़ हार्ड टू लिव दिस लाइफ. आई मीन आप सिनेमा में देख के हाँ वेरी इंस्पिरेशनल बट बिहाइंड दैट लाइफ इज़ वेरी हार्ड. तो उसको हर एक्टर को होती है हर इंसान को होता है बट वी नीड टू मैनेज इट वी नीड टू टेल पीपल लुक आई एम नॉट एरोगेंट यू नीड आई एम अ ह्यूमन बींग यू नीड टू एक्सप्लेन पीपल आई एम नॉट अ टफ मैन आई एम मेरे पास इतना प्यार है आई मीन आई एम फन लविंग. सो वही तो मैं हमेशा करता हूँ कि आई एम वेरी फनी वेरी विटी वेरी प्यार का बंदा हूँ. यू आर विटी ये मैंने देखा है अभी तक कि श्रीकांत जी जैसे फिल्म में भी दिखाया कि शुरू में आपका एक सेल्फ प्राइड वाला साइड है फिर एक थोड़ा सा ईगोस्टिक कैरेक्टर है तो क्या ये सच में हुआ और आपको फिर सेल्फ रियलाइजेशन कब हुआ इस बात का? होता है आई मीन इट इज आई टेल यू मैं हीरो नहीं हूँ मैं एक इंसान हूँ. तो इंसान का जिंदगी में तो बहुत कुछ होता है. तो मैं तो सिस्टम से लड़ता हूँ सबसे लड़ता हूँ एंड मैं बहुत कुछ सीखता हूँ वहाँ से. अगर लड़ाई नहीं है तो सिखाई नहीं है एंड मैं टीचर्स से लड़ता था स्कूल में मैनेजमेंट से लड़ता था हर जगह मैं लड़ाई लड़ता हूँ लड़ना पड़ेगा एंड फ्यूचर में भी लड़ाई होता ही है बट यू लर्न सो मच आउट ऑफ इट. मैं प्रॉब्लम्स जब भी प्रॉब्लम्स आता है मेरे जिंदगी में तभी सॉल्यूशन ढूंढा जाता है. अगर प्रॉब्लम नहीं होती है तो यू कैन नॉट लर्न एनीथिंग ना आपको सॉल्यूशन कहाँ मिल जाता है. अगर एयरपोर्ट में मुझे कोई आके नहीं रोका होता एंड मुझे इतना मैं कंफर्टेबली आज ट्रैवल नहीं करता था. अभी भी मुझे जस्ट लास्ट 2 वीक्स अगो मुझे क्रू ने बोल रहा था सर वी नीड टू एक्सप्लेन यू. मैं बोलता मैम मैं तो रेगुलर फ्लाई करता हूँ छोड़िए मुझे सब कुछ पता है. वो जो बोलता है ये तो प्रोटोकॉल है मुझे बोलता हूँ मैं सब कुछ मालूम है मुझे. आखिरी में सुपर मैनेजर को इंटरवीन होके वो मिटिगेट करना पड़ा क्योंकि ना मैं कन्विंस करने के लिए तैयार नहीं हूँ वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है. एंड इट शुड नॉट बिकम अगली ऑल्सो इट शुड नॉट बिकम अ मेस ऑल्सो. सो इट इज़ ऑल अबाउट हाउ यू मैनेज सिचुएशंस हाउ यू मिटिगेट सिचुएशंस. वो जिंदगी में हर जगह होता है हर इंसान के साथ होता है. दैट लुक्स बैड टू पीपल दैट ओ ही इज़ एरोगेंट बट यू आर नॉट एरोगेंट यू आर वेरी कॉन्फिडेंट. दैट कॉन्फिडेंस जो है वो एरोगेंस की तरफ दिख जाता है एंड यू show people you are actually not arrogant you self realize and you turn your you adjust. So another thing is I listen to everybody I listen to the smallest person and the biggest person and mistakes to bahut karta hu and I also learn out of those mistakes and self realization is the biggest weapon to me
सो आई रियलाइज एंड आई एडजस्ट माई स्टीयरिंग व्हील एंड बहुत आगे फास्ट जाता हूँ. तो दैट इज रियल. आई मीन इट वो होता है. एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू तुषार जी. वो एक सिर्फ सक्सेस नहीं दिखाया कि हाँ 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 हाँ, बट एक इंसान को दिखाया है एक कैसे प्रॉब्लम्स को फेस करने का टाइम पे कैसे एक इंसान का माइंडसेट में क्या होता है. इसी फ्रस्ट्रेटेड, इसी जो इसी कॉन्फिडेंट, इसी रो रहा है. आई मीन ही हैज शोन मी लाइक अ ह्यूमन बीइंग, राइट? आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट. एंड एक इंसान का जिंदगी है, एक हीरो का नहीं है. तो दैट इज व्हाट आई इंस्पायर पीपल विद एंड से बॉस सपना देखो, विजन देखो एंड यू इंस्पायर होइए एंड राइट सपोर्ट सिस्टम के साथ जाइए, राइट मेंटर्स के साथ जाइए एंड देयर इज नथिंग दैट यू कैन नॉट अचीव. जी एब्सोल्युटली. तुषार जी, जैसे अभी श्रीकांत ने भी मेंशन किया कि आपने जिस तरीके से फिल्म को दिखाया है बिल्कुल रॉ दिखाया है. और ये आज के अगर मैं फिल्मी बिजनेस की बात करूं तो जितना उसमें आप एक इमोशनल ड्रामा, एक अलग से एसेंस डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनक्रेडिबली जिस मतलब ऑनेस्टली आपने जिस अंदाज में फिल्म दिखाया है, आपने वो म्यूजिक से आप कहीं कनेक्ट कर पाते हो कि अच्छा ये कोई एक इमोशनल ट्रांजिशन है, लेकिन आपने वो कैरेक्टरिस्टिक में वो नहीं दिखाया है. तो एक तो वो पहली बात उस बात का करेज होना इतना कि आपने सिचुएशन को एज इट इज़ दिखाया, और दूसरा कि जब आपको ऑडियंस से भी उसके ऐसे रिस्पॉन्स मिल रहे हैं, क्या इस बात की उम्मीद थी जब आप इस तरीके का? थोड़ा डर तो था बिकॉज ये नई बात थी, वी वॉज स्केयर्ड अबाउट इट. बट फर्स्ट मैन मतलब मैं और निधि काफी डरे हुए थे बिकॉज दिस वॉज अ न्यू टेक. सुमित, ये राज का आइडिया था. राज ने बोला यार सब शुगर शुगर दिखाएंगे. ऑब्वियसली ही हैज मेड मिस्टेक्स इन लाइफ, भगवान नहीं है. वी नीड टू शो दैट इट्स ह्यूमन बीइंग, कोई दिखाता नहीं है. बट कोई दिखाता नहीं वॉज द डेंजरस पार्ट. और हमने जब किया तो काफी लोग ने बोला नहीं यार नहीं, यू कैन नॉट बिकॉज ही इज विजुअली इम्पेयर्ड. तो और ऐसा लगता है बहुत लोगों को अच्छा भी लगा. बट एक आदमी है जो देख के सीधा बाहर निकल के बोला पिक्चर फंटास्टिक है, वो भूषण जी. लेकिन जो क्लियर मैसेज जाना चाहिए, जैसे हम कहते हैं कि जब हम महिलाओं की बात करते हैं, हम ट्रांसजेंडर की बात करते हैं, हम किसी डिसेबल की बात करते हैं, किसी की भी अगर हम ऐसे बात करते हैं सोसाइटी में, इक्वालिटी की बात करते हैं, स्पेशल ट्रीटमेंट की बात नहीं करते हैं. तो जो जो दोनों कोट आपके जो दिखाए हैं उसको आपने सच करके दिखाया. मेरा यही आपने जो वर्ड बोला एग्जैक्टली, क्योंकि अगर इसको ऐसा नहीं दिखाता तो इक्वालिटी नहीं लगता. Exactly. I wanted to show that he is equal. He is like us. Yeah. They are like us. And they have arrogance and they do. They have a lot. इसमें तो आप देखोगे तो गिर जाओगे मतलब. तो ये तो इतना arrogant है जब हो सकता भी बोलेगा नहीं. But तो they do have it. But the thing is to show it on screen. We were scared. The first person who came out, I said, is Bhushan ji. He said, यार बहुत बढ़िया है, बिंदास पिक्चर. And what about Rajkumar? Raj, it was his idea. He was always convinced about it. No, no, but you were like completely 100% happy with his performance and dedication. Yeah, yeah. Once I do it, I go for long. For it. So I knew that it was there. How I had to do it was playing the voices in his head and all that we did later on. So it was palatable to our people. श्रीकांत, ये सवाल बेहद ज़रूरी हो जाता है. एक तो जब आपकी मुलाकात राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी के साथ हुई, और अभी भी मैंने सुना है कि आपका सपना है कि आप राष्ट्रपति बने, तो पहली बात तो हम मुलाकात से शुरू करते हैं कि वो मुलाकात कैसी थी और उनका कितना आपकी ज़िंदगी में एक इंस्पिरेशन रहा. एक्चुअली मेरा रोल मॉडल से मिलना बहुत दैट वॉज अ मेमोरेबल मोमेंट. आई थिंक only few kids get that opportunity and being one such kid is the lifetime opportunity for me. It means a lot to me. It means more than anything to me in this world because jab Lead India ka taraf se hum log group of students select karke leke gaya tha wo log bus mein, to everybody was discussing ki अरे यार हम लोग तो दो मिनट आएगा जाएगा कि आएगा कि नहीं आएगा, अगर आएगा तो भी दूर से देखना पड़ता. मैं बोला दूर का देखना तो मेरा बस की नहीं है, मुझे तो दिखता ही नहीं है, तो क्या करें. तो कम से कम तो पकड़ना है, हाथ तो मिलना पड़ेगा ना, तभी वो तभी यू कैन एक्सपीरियंस हाउ व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी, वेदर ही इज थिन और फैट एंड व्हाट इज ही. एंड मैं सोच रहा था कि मैं बैठ रहा था वहाँ राष्ट्रपति भवन में. I was observing. I am a good visualizing person. मैं तो
एम्बियंस देख रहा था मुगल गार्डन्स की, और पिकॉक्स का आवाज सुनाई दे रही थी, और लाइट्स एंड लॉट ऑफ म्यूजिक, क्लासिकल स्टफ, लॉट ऑफ स्टफ। मैं बोला अरे यार एक दिन मेरे को भी ऐसी जगह पे रहना चाहिए। एंड मालूम नहीं कैसा वो पैदा हुआ है उस टाइम पे, कि ट्रेनिंग का वजह से भी हो सकता है, एंड मेरा झील में जिंद वो था नसीब में ही, मालूम नहीं कि मैं वो सोच रहा था दिमाग में। उसी टाइम पे राष्ट्रपति जी आए, ओ एवरीबडी द ट्रू साउंड आई हर्ड, एवरीबडी गॉट अप एंड मैं भी उठाऊँ, एंड देन एवरी ही स्टार्टेड आस्किंग एवरीबडी फ्रॉम अ फार डिस्टेंस, मुझे तो उसको मिलना ही है। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड इन मी, मैं पागल हो गया हूँ कि क्या हो गया मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा टर्न जब आया था मैं बोला सर मैं आपका चेयर में बैठना चाहता हूँ एंड प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ, एंड दैट ही रन केम रनिंग, हग्ड मी, पुल्ड मी, ही हैज दिस नाइस वे ऑफ पुलिंग पीपल विथ हिज हैंड, ही ऑलवेज यूज टू पुल मी आओ आओ करके, आई मीन तो ही वी टुक फोटोज एंड ही प्रेज्ड मी इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी, देन वी एट टुगेदर दैट इवनिंग एंड स्पेंट लॉट ऑफ टाइम। मुझे बोला तेरे को मालूम है मैं कैसा दिखता हूँ, हाँ सर मैं तो आपका स्कूल में आपका रोल मैंने एनेक्ट किया हूँ, तो बड़ा बड़ा बाल है, विग लगाया गया है मुझे, तो विग है तो अभी अभी देख देख सा अभी तुमको मेरा हेयर पकड़ना, मैं बोला हाँ, तो दैट वाज लवली, आई थिंक यू कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स, ही हैज शोन हिज हेयर जस्ट लाइक दिस विथ हिज हैंड, हाउ सॉफ्ट ही वाज, वेरी थिन, तो आई मीन देन दैट रिलेशनशिप नर्चर्ड सो वेल। हम लोग बहुत बार मिले साथ में, बाद में एक ही स्टेज से बहुत लोगों को इंस्पायर किए, एड्रेस किए, कभी कभी वो पब्लिकली वो हीरो बोलता था, मुझे बहुत शर्मिंदा लगता था क्योंकि आई एम हिज चेला, आई मीन ही इज माय इंस्पिरेशन, ही नो बोलता मेरा हीरो है, मैं बोलता था सर मत बोलो ऐसा, नहीं नहीं यार मैं तो इंस्पायर हूँ, एंड आई विल ओपन, ही टोल्ड मी इन कोयम्बतूर इन वन ऑफ द स्टेज, एक स्टेज पे बोला था मैं इनका फैक्ट्री खोलने जाऊँगा, बट अनफॉर्चुनेटली बिफोर विच फिजिकली वी मिस्ड हिम, बट हिज वैल्यूज, हिज इंस्पिरेशन रिमेंड विथ मी, विल ऑलवेज रिमेंड विथ मी। एंड मुझे है ना ये दो वियर्ड गोल्स है लाइफ में, एक तो फाइटर जेट में उड़ना है और एक तो सबमरीन में जाना है, बॉटम ऑफ द ओशन। वो तो वो दोनों करने के लिए तो राष्ट्रपति तो बनना ही बनना, क्योंकि सिविलियंस को अलाउड नहीं है जी। तो अच्छा इसलिए आपको राष्ट्रपति बनना है? नहीं नहीं ये भी ऐसा ड्रीम में जो है ना वो आपका ड्रीम को मोटा करने घट करने के लिए ये सब छोटा छोटा ड्रीम जो रहता है ना बिगर ड्रीम के साथ वो हेल्प हो जाता है जिंदगी में, तो दे सर्व यू एज इंस्पिरेशन। तो जो करना है, मैं आर्चरी करना था मैं खर के दिखाया, मैं बेसबॉल खेलना था खेल के दिखाया था, मैं मेरे को जो पसंद लगता है मैं करके, अभी मैं साइड सीइंग जाता हूँ, एक टेम्पल गया हूँ जहाँ ट्राइबल्स थे वो लोग के पास वो विल और वो एरो और रियल एरो और वो था हंटिंग का, मैं उसको पूछा अरे यार मेरे को ये दे दो, मैं ट्री को मारूंगा, आप डायरेक्शन दिखाओ, मैं ट्री को मारूंगा किसी को नहीं मारूंगा। वो देवर हेजिटेंट इन बिटवीन, अरे यार कोई जानवर को लग जाता तो प्रॉब्लम होता, नहीं नहीं मैं तो सिर्फ एक ट्री को मारूंगा। वो दे ट्रेन एंड देन आई हिट द ट्री, एंड एक पिक्चर में सोशल मीडिया पे मैं भी लगा के रखा हूँ कि आई लव डूइंग थिंग्स दैट आई लाइक, राइट, मैं पीछे नहीं हटता हूँ। मैं आई मीन यही तो है ना, एवरी ह्यूमन बींग शुड हैव दैट विजन एंड शुड हैव दैट ड्रीम टू गो फॉरवर्ड इन लाइफ। एंड अगर चैलेंजेस को प्यार करना, चैलेंजेस से डरना नहीं प्यार करना, तो अगर प्यार करेंगे तो ऑटोमेटिकली सोल्यूशन आ ही जाता है। वो एक और चीज़ है, मुझे तो प्रेसिडेंट बन के सेवा करना है, वो तो मेन गोल है, लेकिन हाँ हाँ सेवा करने के टाइम पे कहीं मस्ती तो लेना पड़ेगा, तो कहीं एक शॉटी पे जाने के लिए मौका मिल जाए और अंडर वाटर लाइफ देखने को मौका मिल जाए, और मेनली मुझे यंग माइंड से इंटरेक्ट करना और इंस्पायर करना मुझे मेरा काम है। वो अब्दुल कलाम जी ने मुझे वो दे के चला गया है वो, कि श्रीकांत जी फिजिकली मैं नहीं रहूँगा मगर फिजिकली थ्रू एम्पावर करते रहिए, मैं आपका साथ में ही रहूँगा। दिस इज़ वॉट ही पर्सनली टोल्ड मी, आई हैव डन इनफ, नाउ इट इज़ योर जॉब टू टेक ओवर दिस ऑन योर शोल्डर्स एंड इंस्पायर इंडिया। एंड वही ड्रीम मेरा सबसे बड़ा सपना है कि ये ही जिंदगी में गॉड हैज़ गिवन मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंस्पायर पीपल, एंड दैट इज़ वाई ही मेड मी फिजिकली ब्लाइंड, बट ही मेड मी डिफरेंटली एबल्ड फ्रॉम इनसाइड विथ फुल ऑफ विजन टू
इग्नाइट इंडिया एंड इग्नाइट वर्ल्ड, वही तो मेरा सेवा है और मेरा गोल है। और तुषार जी ने एक ह्यूमन बीइंग के तौर पर सबके सामने मेरा कहानी रखा है, उसके लिए आई कमेंड हिज एफर्ट्स। मैं उनका फैन बन गया हूँ। पूरी टीम ने जितना काम किया है, एंड फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट आई थैंक भूषण जी, निधि, द एंटायर कैस्ट, क्रू, एंड पर्टिकुलरली तुषार की पैसा, क्रू, ये सब बाद में जी। जो कहानी, जो विजन था ना इनका, एक इंसान का कहानी मेन स्ट्रीम करना है जी, वो बहुत नोबल है जी, वो बहुत बड़ा चीज है। एंड द वे ही हैज प्रॉमिस्ड एंड द वे ही हैज डिलीवर्ड, एब्सोल्युटली, मैं आई टेल यू ही इज माय इंस्पिरेशन। एंड आई होप दिस फिल्म विल सर्व एज अ बीकन ऑफ इंस्पिरेशन टू ऑल द पीपल हु आर आउट देयर हु सेज आई कैन नॉट डू इट, श्रीकांत कैन डू इट, यू कैन डू इट। थैंक यू सो मच। एब्सोल्युटली, ये फिल्म ने मुझे लगता है कि इस वक्त लोगों तक एक एम्पैथी और सेंसिटिविटी पहुंचाई है, जो कि एक ह्यूमन बीइंग के डेवलपमेंट के लिए बेहद जरूरी है। तो आई एम श्योर वी ऑल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सी मोर, यू नो, सच काइंड ऑफ सिनेमा। जितना जल्दी हो सके आपका ब्लेसिंग से, पूरी देश का ब्लेसिंग से, उतना जल्दी हो जाए जी। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू टीवी9। थैंक यू। थैंक यू।